हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इनवर कुरैशी और आज फिर आया हूं लेकर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप सभी लोगों के लिए। रेडी हो जाइए दोस्तों, आज बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर के बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे बात भी की थी फ्रेंड्स कि आपसे टाइफाइड फीवर के बारे में एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने इसके एक टेस्ट के बारे में वीडियो बनाया था कि इसका जो टेस्ट है वो विडाल टेस्ट उसे कहते हैं, उसके बारे में एक वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोडेड है फ्रेंड्स। 1:80, 1:160, 1:320 ऐसे इसके रेंज होते हैं और इसके दो चार टाइटल हैं फ्रेंड्स, साल्मोन टाइफा HO और बाकी दो ऐसे प्यारा टाइफा जो होते हैं, ये विडाल टेस्ट में होते हैं फ्रेंड्स। आज बात करेंगे फ्रेंड्स ये फीवर के बारे में, टाइफाइड फीवर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम ये बताएंगे फ्रेंड्स आज की कि टाइफाइड फीवर में साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली इसमें जो है हाई ग्रेड फीवर होता है फ्रेंड्स, विद बॉडी एक होता है और विद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसके ये तीन जो है एक क्लासिकल साइन सिम्टम्स है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मलेरिया का एक वीडियो मैंने पिछले बार बनाया था फ्रेंड, उसमें फीवर विद चिल्स मतलब बुखार के साथ ठंडी बजना एक उसमें सिम्टम होता था, बट टाइफाइड में ठंडी नहीं बजती है फ्रेंड्स, ये चिल्स इसमें नहीं आते हैं, ओनली हाई ग्रेड फीवर ये टाइफाइड का क्लासिकल सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें कि इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियल फीवर है, इसको एंटरिक फीवर भी कहा जाता है और इसका बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफा। तो साल्मोनेला टाइफा ये जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो है हमारे खाने में से और पानी में से हमारे शरीर में एंट्री होती है, इसकी फूड और मील्स में से इसकी एंट्री होती है, वाया GI ट्रैक्ट इसकी एंट्री होती है फ्रेंड्स, और ये हमारे बॉडी में जो है फैल जाता है। तो GI ट्रैक्ट से इसकी एंट्री होने की वजह से फ्रेंड्स, तो GI ट्रैक्ट पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कभी कभी इसका जो क्लासिकल साइन है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है और इसमें जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन नाम का एक कंडीशन भी ये टाइफाइड फीवर में या एंट्रिक फीवर में आता है फ्रेंड्स। और जब कभी कोई पेशेंट टाइफाइड से ग्रसित होता है फ्रेंड्स, तो वो बहुत वीक होता है और उसकी पल्स जो है उसके एक स्पेसिफिक पल्स रहती है, उसको बोलते हैं वाटरमेलन पल्स। वो पल्स जो है धीरे से बढ़ते जाती है, पहले शैलो रहती है फिर डायरेक्ट अचानक से वो पीक पे जाती है, तो उसको बोलते हैं वाटरमेलन पल्स। तो ये एक टाइफाइड की कंडीशन में एक कंडीशन है फ्रेंड्स। साल्मोनेला टाइफा जैसा इसका बैक्टीरिया मैंने बताया फ्रेंड्स, इनक्यूबेशन पीरियड कुछ दिन का रहता है फ्रेंड्स और कंटिन्यू हाई ग्रेड फीवर, ये इसकी कंडीशन है। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया एक टाइफाइड के फीवर के साइन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपको बात करूँगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करना है। बेसिक ट्रीटमेंट करना है, कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक जो GI ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करे, ऐसा एंटीबायोटिक आपने ऐड करना है, जैसे कि सेफिक्सिम है और फ्लॉक्सिसिन है, ऐसा एक एंटीबायोटिक आपने ऐड कर सकते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन में ऐड करें टैबलेट ZPO 200 के फॉर्म में अवेलेबल है फ्रेंड्स, इसमें ओफ्लॉक्सिसिन और सेफिक्सिम ये कंटेंट है, ये BD डोज में एडल्ट को देना है। उसके साथ आप पैरास्टामोल कालपोल का टैबलेट दें BD डोज में, उसके साथ जो है आप उसको एक प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भी दे दें, जैसे न्यूट्रल बी कैप्सूल आप दे सकते हैं, फिर उसके साथ आप जो है उसको एक आधा एंटासिड भी ऐड कर दें फ्रेंड्स। ऐसा 3-4 ट्रीटमेंट उसको आप दे देंगे तो वो सेटल हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर बहुत ज़्यादा हो फीवर, बहुत ज़्यादा हो टाइफाइड में भी, तो आप उसको 1-2-3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइज जब करेंगे आप उसको फ्रेंड्स, तो उसको IV मोनोसेफ, IV ओफ्लॉक्स, रैनटैक, पेंटॉप या रैनटैक में से दोनों एक, ऑनडेंस्ट्रॉन और मल्टीविटामिन डाल दीजिए कोई RL NS में, ऐसा आप 2-3 दिन इसको कंटिन्यू करिए, ऐसा भी ये पेशेंट जो है सेटल होता है फ्रेंड्स। तो टाइफाइड जो फीवर है उसको ज़्यादा डरने की गरज नहीं है फ्रेंड्स। सीरोलॉजिकल टेस्ट विडाल टेस्ट होती है, बट ये टेस्ट उतनी कंफर्म नहीं है, कभी कभी ये फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव होती है, पिछले वीडियो में जो बताया था। तो इसका जो क्लासिकल दूसरे टेस्ट हो सकते हैं वो है यूरिन कल्चर, फिकल कल्चर, ये दो टेस्ट इसमें हो सकते हैं, और ब्लड कल्चर, ये 3 टेस्ट इसमें
आप कर सकते हैं और इससे डायग्नोसिस पक्का होता है आपका। तो होप दोस्तों कि टाइफाइड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमसे बने रहे। थैंक यू वेरी मच।